मुरैना में खाकी वर्दी पर सवाल खड़े करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां सिविल लाइन थाना पुलिस ने फास्टैग सेंसर की तोड़फोड़ कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने पहले कर्मचारियों को भगाया और फिर सेंसर भी तोड़ दिए। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने थाना प्रभारी प्रवीण चौहान को एनएचएआई की गाइडलाइन दिखाकर उनका कन्फ्यूजन दूर किया। पाथ इंडिया के अधिकारी ने नुकसान का प्रतिवेदन भेजने की बात कही। बेसिक जिम्मेदारी होती है जो वीआईपी लेन है उसको खाली करके रखें, वहाँ ओवर क्राउडेड था वो, इस वजह से टीआई साहब ने उनको तत्काल हटाने का प्रयास किया है और बाकी जो आरोप लगे जा रहे हैं उनकी हम जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि बेबुनियाद दिखाई देते हैं, जांच के बाद अगर कुछ होगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। वीडियो में सरेआम टीआई साहब तोड़ते हुए दिख रहे हैं, एक्चुअल टीआई साहब ने जाम क्लियर करने का प्रयास किया है और उसको समझाने का प्रयास किया है टोल टैक्स वाले को। उन्होंने ये बोला है कि भाई एक लेन आप बिल्कुल वीआईपी लेन खाली रखिए, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है ट्रैफिक ओवर क्राउडेड हो जाता है, दिक्कत पैदा होती है। अब उसकी अगर कोई परिस्थिति बनी है, मान लो उसमें कुछ गलत है, तो हम लोग जांच करेंगे उसकी। अभी फिलहाल टोल प्रबंधन की तरफ से कोई आवेदन वगैरह, टोल प्रबंधन ने हम लोगों को कोई आवेदन नहीं दिया है। वीडियो जरूर वायरल हुआ है, उस पर हम जांच करेंगे।